महल, ये तस्वीर किसने बनाई? कौन लाया इसे यहाँ? मुझे कुछ नहीं मालूम डैडी, मैं तो रात को आपके जाने के बाद चुपचाप सो गई थी। सुबह जब आँख खुली तो मैं खुद हैरान थी कि ये तस्वीर यहाँ कैसे आई। तुम सो गई थी और दूसरा यहाँ कोई आया नहीं, फिर ये हमारा खानदानी महल यहाँ कैसे? हमारा महल? हाँ बेटे, ये हमारा खानदानी महल है, हमारा खानदानी महल जिसमें हमारे पिता वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हुकूमत किया करते थे। पर डैडी, इसी महल के तो रोज मुझे सपने आते हैं। क्या इसका मतलब है वक्त ने 100 साल बाद एक और भयानक करवट ले ली? 100 साल बाद भयानक करवट? मैं इस महल का साया इस घर पर पड़ने नहीं दूंगा। राजगुरु, आज की कार्यवाही शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज ये सभा किस लिए बुलवाई गई है। ठाकुर साहब, हमारे राज्य पर बहुत भारी विपदा आन पड़ी है, उसी का हल खोजने के लिए यह सभा बुलाई गई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस सभा की कार्यवाही शुरू की जाए। शुरू कीजिए। ठाकुर साहब, इस साल वर्षा न होने से सारी फसलें सूख गई हैं, जनता दाने दाने को मोहताज हो गई है। अब तो कुएं भी सूखने लगे, गाय भैंस मवेशी वो भी मरने लगे। ठाकुर साहब, अब तो कुछ कीजिए, अगर यही हाल रहा तो रियासत की जनता भूख और प्यास से मर जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजगुरु, आप ही कोई उपाय बताइए। ठाकुर साहब, अब तो केवल एक ही उपाय है कि एक सप्ताह का महायज्ञ किया जाए जिससे राजा इंद्र खुश होकर हम पर कृपा करें, तभी वर्षा संभव होगी। मगर 7 दिन में अनर्थ हो जाएगा महाराज। अनर्थ हो जाएगा। भंग, कुछ नहीं होगा। आकर कर हमारी तांत्रिक विद्या, हमारे ठाकर के काम किस दिन आएगी? हम अपनी तांत्रिक विद्या से पूरी रियासत में ऐसी बारिश करेंगे कि चारों तरफ जल थल हो जाएगा। भंग भंग। मगर क्या ये संभव है? तांत्रिक, हमारी बहन ने तुमसे कुछ पूछा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, क्या संभव, क्या संभव, अभी देख लो। भगवान की कृपा होगी, राज्य में वर्षा हो गई। वाह, ये तो वाकई चमत्कार है। तांत्रिक महाराज की जय! तांत्रिक महाराज की जय! वाह तांत्रिक, वाह। तांत्रिक महाराज, आपने हम पर ही नहीं रियासत की सारी जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसा चमत्कार न कहीं सुना न किताबों में पढ़ा। आप सचमुच महान तांत्रिक हैं, महान। ॐ नमः शिवाय। नाग देवता, आप हमारे कुलगुरु हैं, हर संकट में हमारी सहायता करते हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी प्रजा पर कभी किसी प्रकार का कोई संकट ना आए। ऐसा ही होगा राजकुमारी रागनी,
जैसे नागदेव की कृपा तुम्हारे वंश पर और तुम्हारी प्रजा पर आज तक रही है, वैसे ही आगे भी रहेगी। तुम? हाँ, हाँ, तुम्हारे प्यार का प्यासा बबरा, तुम्हारा तांत्रिक। हाँ। बकवास बंद करो, क्या तुम जानते हो ये तुम क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ, मैं अपनी रागनी से कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं हर रात को ये फैसला करता था कि मैं तुम्हारे सामने प्यार से अपने प्यार का इजहार करूंगा। तांत्रिक, तुम्हारे मन में ये नीच विचार आया कैसे? तुम अपने औकात भूल रहे हो। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी और सजा भी वही देगी जिसको पाने का तुमने सपना देखा। ताकि नहीं, ये खड़ा है तुम्हारा अपराधी, इसको जो जी चाहे सजा दो। तुमने ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह की बहन को बुरी नजर से देखने की जरूरत कैसे की? लगता है तुमने आईने में कभी अपनी शक्ल नहीं देखी। जो रागिनी को पाने का तुम्हारे मन में ख्याल उठा, बस रागिनी, अब हमारी ये सजा भी सुन लो तांत्रिक। आज शाम सूरज ढलने से पहले तुम इस रियासत के हाथ से बाहर निकल जाओ, और वापस कभी भी इस रियासत में नजर आए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मेरा प्यार मुझसे छीन कर और मेरी बेइज्जती करके तुमने अच्छा नहीं किया ठाकुर। मैं तुम्हारे घर से रिश्ता बांधना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे दर्द पर दुश्मनी की दस्तक दे दी। पर तुम ये भूल गए ठाकुर, मैं तांत्रिक शक्तियों का ज्ञाता हूँ, और ये तांत्रिक शक्तियाँ मेरा और रागिनी का मिलन करवा के रहेंगी। तुम इसे नहीं रोक पाओगे ठाकुर, बिल्कुल नहीं रोक पाओगे, कोई नहीं रोक सकता। रागिनी, रागिनी चली आओ।
भान, मेरी रागनी आ गई। आओ रागनी, आओ 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 आओ। भंग भंग, मुझे ही पहले ही पता था कि मेरी तांत्रिक शक्तियां मेरी रागनी को मेरे पास जरूर लाएंगी। आज रागनी और दारा का मिलन होकर रहेगा। भंग भंग। हाँ दारा, हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गए हैं, सदा सदा के लिए। ना जाने हमारे मन में ये तुमने कैसी तड़प पैदा कर दी है। तड़प तो मैं रहा हूँ, तड़प तो मैं रहा हूँ रागनी, तड़प तो मैं रहा हूँ। आज से नहीं, पिछले कई सालों से, क्योंकि तेरा भाई वरिंदर प्रताप सिंह दीवार बनकर तेरे और मेरे बीच में खड़ा हो गया था। मगर अब तो हमने सब दीवारें गिरा दी है ना। आओ तांत्रिक, आकर हमारे अंदर जलती हुई अगन को अपने प्रेम की वर्षा से ठंडा कर दो तांत्रिक। अभंग अभंग, इस आग को मैं ठंडा करूंगा। रागनी, इस आग को मैं ठंडा करूंगा। तुम्हारे हिरने जैसी आंखों की, तुम्हारे फूलों जैसे होंठों की। आज पूनम की रात है, पूनम की रात, हमारे मिलन की रात, जिसके लिए मैंने सदियों इंतजार किया। आओ रागनी, आओ आओ रागनी, हम तुम एक हो जाएं। ठहरो, बीच कमीने नमक हराम। भंग भंग। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह के होते हुए तुम कभी भी अपने इस दलील और घिनौनी हरकत में सफल नहीं हो सकते। लौट जाओ ठाकुर, लौट जाओ, इसी में तेरी भलाई है। तारा और रागनी के मिलन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भंग भंग। ये क्या हुआ राजगुरु, इस पर गोलियों का असर क्यों नहीं? इसलिए कि ये रूहानी ताकतों का इस्तेमाल अब शैतानी रूप में कर रहा है, मगर ये भूल गया है कि भगवान शैतान से कहीं बड़ा है। लोकेश, तुम जल्दी जाकर शिव मंदिर से भगवान शिव जी का त्रिशूल ले आओ। जब तक वो त्रिशूल लेकर आएगा, रागनी मेरी हो चुकी होगी। राजगुरु, लौट जाओ। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह, रागिनी अब तुम्हारी बहन नहीं, तांत्रिक दारा का प्यार है। लौट जाओ। अपनी बहन के मुंह से हम ये क्या सुन रहे हैं राजगुरु, आप कुछ करते क्यों नहीं? अगर ठाकुर खानदान की इज्जत को आंच आ गई तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। कुछ कीजिए। यह तुम्हारा राजगुरु कुछ नहीं कर सकता ठाकुर। आज रागनी और दारा का मिलन होके रहेगा। ठीक है ठाकुर, अगर तुम कहते हो तो हमें वही करना पड़ेगा जो हम करना नहीं चाहते थे। ये क्या राजगुरु? इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था ठाकुर। राजगुरु, तुमने मेरी रागनी को पत्थर की शिला बनाकर ठीक नहीं किया, पर याद रखना, तुमने ठाकुर खानदान के ऊपर कहर डाल दिया है, कहर। अब तुम हम पर और कौन सा कहर बरपाओगे तांत्रिक? मैं इस पुत्र में फिर से जान डाल दूंगा, वो भी तुम्हारे खानदान के खून से। आज के बाद तुम्हारे खानदान में जो भी लड़की पैदा होगी और वो रागनी की उम्र तक पहुंचेगी, उसे मैं अपने पास बुलाऊंगा और उसी के खून से अपनी रागनी को जिंदा करूंगा। उसके लिए चाहे मुझे सदियों इंतजार क्यों ना करना पड़े, पर राजगुरु अपनी करनी का फल देख। भंग भंग। राजगुरु भंग भंग।
नमः शिवाय। इस गुफा का मुंह बंद करके इसके बाहर ये त्रिशूल गाड़ दो ठाकुर। इसकी गैबी ताकतों में ऐसी शक्ति कोई नहीं है जो भगवान के इस त्रिशूल की सीमा को लांग सके। जब तक भगवान शंकर का ये त्रिशूल इस गुफा के बाहर रहेगा तब तक ये शैतान दारा इस गुफा से कभी बाहर नहीं आ सकेगा। आइए रागिनी, एक न एक दिन इस गुफा का दरवाजा जरूर खुलेगा और जिस दिन इस गुफा का दरवाजा खुला उस दिन तारे का प्रकोप फिर से जाग उठेगा और तेरी मेरी मिलन की रात पूनम की रात होगी और पूनम की रात होगी और तेरा मेरा फिर से मिलन होगा, फिर से जरूर मिलन होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। राजगुरु की मदद से भगवान शंकर का पवित्र त्रिशूल इन गुफाओं के बाहर गाड़ दिया गया। दारा फिर कभी इन गुफाओं से बाहर नहीं आया, मगर यहां के लोगों का यह विश्वास बना रहा कि दारा कभी मर नहीं सकता। जिस दिन भी यह त्रिशूल यहां से हटा दारा की तंत्र शक्ति फिर विनाश का कारण बन जाएगी। समय गुजरता गया और ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह की तीसरी पीढ़ी में एक लड़की ने जन्म लिया। 100 साल बाद Ah!
व्हाट हैपेंड बेबी? क्या हुआ? क्या हो गया बेबी? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड माय चाइल्ड? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? आई डोंट नो सर. यू कैन गो. बेटे तुम पसीने से तरबतर क्यों हो रही हो? डैडी आज मैंने फिर वही सपना देखा, वही महल जहां मैं चली जा रही हूँ अकेली, और फिर खून. अरे बेटे ये सपने वपने कुछ नहीं होते, ये इंसान के अपने दिमाग का वहम है. देखो बेटे मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि ये क्राइम ड्रामे और नावल पढ़ने बंद कर दो, ये सब उन्हीं से होता है. चलो अब सो जाओ. आओ शाबाश. गुड नाइट डैडी. गुड नाइट. मॉर्निंग. हेलो स्वीट हार्ट, क्या बात है आज बड़ी जल्दी उठ गई. ये महल, ये तस्वीर किसने बनाई? कौन लाया इसे यहाँ? मुझे कुछ नहीं मालूम डैडी, मैं तो रात को आपके जाने के बाद चुपचाप सो गई थी. सुबह जब आँख खुली तो मैं खुद हैरान थी कि ये तस्वीर यहाँ कैसे आई. तुम सो गई थी और दूसरा यहां कोई आया नहीं, फिर ये हमारा खानदानी महल यहां कैसे? हमारा महल? हां बेटे ये हमारा खानदानी महल है, हमारा खानदानी महल जिसमें हमारे पिता वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हुकूमत किया करते थे. पर डैडी इसी महल के तो रोज मुझे सपने आते हैं. क्या इसका मतलब है वक्त ने 100 साल बाद एक और भयानक करवट ले ली? 100 साल बाद भयानक करवट? मैं इस महल का साया इस घर पर पड़ने नहीं दूंगा. डैडी आपने ये तस्वीर फाड़ दी? बेटे इसका यही इलाज था. तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारे सामने इस महल का कभी जिक्र तक नहीं किया, और फिर भी इसका तुम्हारे ख्यालों में आना ये साबित करता है. क्या साबित करता है? क्या है ये महल? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं. तुम्हारे लिए इसके बारे में जानना जरूरी भी नहीं और ठीक भी नहीं. अरे मुझे याद आया, कल तुमने कहा था कि तुम कॉलेज के टूर पे जाना चाहती हो. हाँ डैडी, लेकिन आपने तो मना किया था. नाउ यू कैन गो. अरे बाहर घूम फिर आओगी तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा. थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच. विकास, अरे इस तरह अगर मेरी गाड़ी से टकरा जाते तो? दुनिया की किसी फैक्ट्री ने अभी तक वो गाड़ी नहीं बनाई जो विकास को उड़ा सके. खैर छोड़ो, पहले ये बताओ हमारे होने वाले ससुर ने हमारी होने वाली बीबी को टूर की इजाजत दी या नहीं? दी. जलगांव की पहाड़ियों से गुजरता हुआ हमारा ट्रूप इस जगह तक पहुंचेगा जहां पर एक हवेली है, और इस हवेली में रखे हुए मॉन्यूमेंट्स हमें पुराने जमाने के कल्चर की याद दिलाते हैं, और ये वो हवेली है. लेकिन सर ये तो हमारी खानदानी हवेली है. तुम्हारी खानदानी हवेली? तो क्या तुम ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह की? जी मैं उनकी पोती हूँ.
चलो ये तो अच्छा हुआ, हम लोग इस हवेली को अपनी समझ के इस्तेमाल करेंगे। एनीहाउ, कल जो भी स्टूडेंट्स इस टूर पर आना चाहते हैं वो शाम को ठीक वक्त पर आ जाएं। कल शाम को ठीक 5:30 बजे हम लोग निकल रहे। ओके, नाउ रिलैक्स। लो गुरु, दीपा तो उसके साथ जा रही है। इस तरह विकास और दीपा की आशिकी एकदम पक्की। अब तुम्हारा क्या होगा? उनकी आशिकी तो पक्की तब होगी जब आशिक वहां पहुंचेगा। मैं आशिक को वहां पहुंचने नहीं दूंगा। गुरु ये रहा रोमियो की औलाद। अशोक, हॉकी खेलने आए हो? हाँ। वैसे मैदान भी बहुत अच्छा है और मार खाने के लिए भी अच्छा है। अशोक? हाँ मैं देखता हूं तू टूर पे कैसे जाता है। क्यों, ठीक है ना? हॉकी खेलने का मजा आया? खैर मैं तो टूर पे जा ही रहा हूं। ये लो रख लो, इलाज करा लेना। इलाज करा के ठीक हो जाए तो वहां पर आ जाना, क्योंकि वहां हॉकी खेलने के लिए इससे भी बहुत बड़ा मैदान है। क्यों, आओगे ना? स्टूडेंट्स आ गए? सर वो जग्गू और किशन छोड़कर बाकी सब आ गए, और वो दोनों आएंगे भी नहीं। क्यों? उन्होंने खुद मुझसे मिलकर कहा था। अच्छा, मगर ये ड्राइवर कहाँ गया? हमें 5 बजे निकलना था और अब 7 बज रहे हैं। जी, मैं ये रहा प्यारे, मैं आपकों की चलाने वाला हूँ गाड़ी, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी जगह। मैं सोफा कम बेड हूँ, 2-in-1 गाइड एंड ड्राइवर। और ये जी रूपमती, वही मती, ये सारे टूर में आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। ये आप लोगों को पका खिलाएगी खाना। काफी समझदार लगते हैं आप। नाउ एवरीबॉडी गेट इन प्लीज, चलिए अंदर। यस सर। चल सर, आपका लॉकेट। ओह थैंक यू। वेलकम सर। आ गए हवेली। चलो जल्दी करो।
अरे भाई कोई है? कोई है यहाँ? दीपा, तुम्हारी ये खानदानी हवेली काफी बड़ी लगती है और काफी खतरनाक भी। मजा आएगा। कोई आ रहा है। अरे तुम उतरते क्यों नहीं? ठहर जाओ, मुझे देखने दो कि वो बुड्ढा उनको इजाजत देता है अंदर जाने की। कौन है आप लोग? बाबा, हम लोग बंबई से आए हैं और कुछ दिन इस हवेली में रुकना चाहते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ की पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का मायना कर सके। मेरा नाम है रेला राम, बरसों से इस हवेली की चौकीदारी करता हूँ मैं। इसलिए मेरी सलाह है आप लोगों से कि आप लोग यहाँ न रहें तो बेहतर होगा। लेकिन बाबा, हम लोग इतनी दूर से आके क्या यूं ही वापस चले जाएं? समझाना हमारा फर्ज था, आगे आपकी मर्जी। चलिए हमारे साथ। दादी, बुड्ढे ने दे दी। चलो, चलो। गायब हो गया? हाँ, रास्ता तो नहीं है, कहाँ गायब हो गया? ये किधर गायब हो गया बुड्ढा? मुझे तो लेनी थी इसकी तस्वीर, कितना अच्छा पोर्ट्रेट था वो। कौन लोग हो तुम लोग और कहां से आए हो और मेरी तरफ इस तरह डुगडुगी लगाकर क्या देख रहे हो? आपकी तारीफ? मेला राम है मेरा नाम, बरसों से इस हवेली की चौकीदारी कर रहा हूं। आप अगर चौकीदार है तो वो कौन था? भाई किसकी बात कर रही हो? कौन वो, कैसा वो? जो अभी अभी मिला था बिल्कुल आप जैसी सूरत थी। ना ना, थोड़ा सफर था, सफेद दाढ़ी और सफेद बाल थी। हाँ वही था वो। लेकिन कौन है वो? वो इसमेला राम का बाप था, रेला राम। उसको मरे हुए तो बरसों हो गए। वो मर चुका है? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता जी, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ना होने को कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो तो चलिए मेरे साथ आइए दीपा जी। तो क्या आप मुझे जानते हैं? मैं तो और भी बहुत कुछ जानता हूँ, आइए मेरे पीछे। बाबा, ये कहाँ ले आया हमें? ये तो किसी की समाधियाँ लगती हैं। ओ मेम साहब, मैंने कब कहा कि अंगिटियाँ हैं? ये जो दाहिनी वाली जो समाधि है ना, वो मेरे बाप ने आराम की है, जिसे आप लोग मिल चुके हैं। और ये दूसरी समाधि किसकी है? वो मेरी समाधि। ये भी खराब हो गया। कमाल, ये भी एकदम गायब हो गया। मैं तो इसकी भी नहीं ले सका तस्वीर। लगता है अच्छे पोर्ट्रेट मेरे नसीब में नहीं है। कौन है आप लोग? हम टूरिस्ट हैं, बॉम्बे से आए।
मगर ये तो बताओ कि तुम कौन हो। हम इस हवेली के चौकीदार हैं बाबू साहब। हमारा नाम चेला राम है। पर अभी अभी हमें रेला राम और मेला राम मिले थे, वो भी तो अपने आप को यहाँ का चौकीदार बता रहे थे। ओ, तो उनसे आपकी भी मुलाकात हो गई? हाँ, हमारी उन दोनों से मुलाकात हुई, मगर वो दोनों गायब हो गए। रूहें ऐसी ही होती बाबू साहब, झलक दिखाकर गायब हो जाना ही उनका काम है। रूहे, तो क्या वो सचमुच रूहे थी? भगवान का शुक्र है कुछ बुरा नहीं हुआ। वो दोनों किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन यहाँ आने वाले सब लोगों का स्वागत वही करते हैं। हमने भी सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं। देखो, हम लोग यहाँ कुछ दिन रुककर ये हवेली और आसपास का इलाका देखना चाहते हैं। ये हवेली और इसके आसपास का इलाका न घूमने लायक है न रहने लायक। नाकाबिल जगहों पे घूमने और रहने का नाम ही जिंदगी है। वैसे भी हमें यहाँ रहने से तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि इस हवेली की मालकिन हमारे साथ है दीपा ठाकुर, वीरेंद्र प्रताप सिंह की पोती। फिर तो हम आपको यहाँ ठहरने की बिल्कुल सलाह नहीं देंगे। हम तो यहाँ रहेंगे। तो फिर आपकी मर्जी, आइए। वॉचमैन साहब, भाई साहब माफ करना, कहीं आप भी तो मर नहीं चुके हैं भाई साहब? नहीं, मेरे बोलने का मतलब है भाई साहब कि भाई तो आप गायब नहीं हो जाएंगे भाई साहब? जैसे आपसे पहले दो आदमी आए थे ना, वो कहाँ से आए और किधर घुस गए कुछ पता नहीं चला। हम रूह नहीं है, इंसान है बाबूजी। चले आइए मेरे साथ। चलो 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 चल के देखते हैं। बहुत सालों से जलाया नहीं ना, ठीक तरह से चलती भी नहीं। वाह वाह, क्या हवेली है भाई, बहुत खूब। खूब क्या खाक, मुझे तो देख के डर लगता है। हाँ बाबा, यहाँ तो आते ही खौफनाक बातें शुरू हो गई। कम ऑन यार, जिंदगी में कभी कभी ऐसी एडवेंचर जगह भी देखना चाहिए। सिर्फ देखना ही नहीं चाहिए, बल्कि स्टडी भी करना चाहिए, जो हमारा मकसद है। पुराना आर्किटेक्चर, पुरानी तहजीब, पुरानी चीजें हमें सिर्फ ऐसी जगहों पर मिल सकती हैं, किताबों में नहीं। आप ठीक कह रहे बाबूजी, हर पुरानी चीज के साथ एक पुराना हादसा भी जुड़ा रहता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो हादसा भी उस चीज की तरह खूबसूरत हो। भाई साहब, इस वक्त सबसे खूबसूरत चीज जो है ना, वो है नींद। कोई ऐसी जगह बाप बताइए जहां पर सब लेट के कर सके आराम। इस हवेली में बहुत सारे कमरे हैं, सब कमरों में बिस्तर है। ऊपर जाने के लिए रास्ते दोनों तरफ से। चलो आओ रीना। चलो मीना। तुम? हाँ हम, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आया था इस घड़ी की अच्छी सी तस्वीर लेने के लिए, मगर तुम किधर जा रही हो? मैं जा रही थी सामान लेने, मैं जा रही हूँ। अरे पागल हो गई क्या, इतने रात को अकेले बाहर जाओगी? मैं भी चलता हूँ तुम्हारी करने के लिए मदद। बाप रे, कितना अंधेरा है। नहीं, आप तो बिल्कुल, मैं सहारा दे दिया था, बिल्कुल डरिए मत। कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। भूत वूत आ जाएगा तो मैं हूँ ना। चल चल, अब बातें ना बना, चढ़ जाओ ऊपर। किधर किधर? ऊपर चढ़ जाओ। क्यों, सामान निकालने के लिए ऊपर ही तो चढ़ना पड़ेगा, और कहाँ चढ़ना पड़ेगा? चानी है, उंगली थी तो एकदम पूरा बाजू हपकना चाहती है, पकड़ लेता हूँ। अच्छा बाबा, मैं ही चढ़ती हूँ। चल, ये ले पकड़। चल। क्या हुआ? ये पकड़ लिया।
अबे भूत के बच्चे, तेरे घर में क्या बाप भाई नहीं है जो मुझे चेड़ता है? प्यारे, अरे प्यारे, तुझे किसी भूत भूत ने नहीं पकड़ा, तेरा कोट दरवाजे में अटक गया है। एक मुझे तो पहले ही से मालूम था, मैं तो खाली तुम्हारा ले रहा था इम्तिहान कि तुम डरती हो कि नहीं। लेसे तुम बिल्कुल नहीं डरी, तुम्हारा बहुत बड़ा है जिगर। अरे तुम इस वक्त हमारे कमरे में? तुमसे मिलने आया था। दीपा कहाँ? बाथरूम में है। बाथरूम में? फिर तो बात बन गई। अरे छोड़ो ना, कोई देख लेगा तो। एक शर्त पे छोड़ूंगा। क्या? जब सब सो जाए तो तुम मुझसे मिलने नीचे आओगी। मैं ना तो? फिर मैं नहीं छोड़ने वाला। अरे छोड़ो ना। अच्छा अच्छा, मैं जरूर आऊंगी। प्रॉमिस। विनय, 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 चिल्ला रही थी जिसके लिए तुम चिल्ला रहे हो। अंदर भी इसी हाथ ने उसे डराया था। ओ विनय, तो ये तुम थे, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। विनय, आज तो मैंने तुम्हारी ये हरकत बर्दाश्त कर ली है, लेकिन आइंदा यहां कोई भी ऐसी बात ना हो। ये खौफनाक जगह है, यहां डर से कुछ भी हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। नाउ गो टू योर रूम्स, जाइए अपने अपने कमरों में। प्यारे, इसमें क्या होता है? इसमें होता है डेवलपर। इसमें डेवलप होता है। और इसमें? इसमें होता है फिक्सर, उसमें जाके फिक्स होता है। अच्छा अच्छा, और ये क्या है बीच वाला? बीच कौन है? तुम रूपमती के साथ अंदर क्या कर रहे हो? अंदर मैं रूपमती के साथ इंटर लगाऊं वो तस्वीरों की डेवलपिंग करो। हम घूमने जा रहे हैं, तुमने चलना नहीं हमारे साथ? हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं इनकी करके आता हूँ ना। ठीक है, हम लोग जा। ये है ठाकुर खानदान की पर्सनल कलेक्शंस, और ये उनकी तस्वीरें। उन सबको नायाब बुतों और पेंटिंग्स जमा करने का बड़ा शौक था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उनके बाद इस हवेली को एक तरह का म्यूजियम बना दिया, ताकि लोग यहां आकर देश विदेश की चीजें देख सकें। आप भी इन हिस्टोरिकल एंटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। चाहिए? सर, ये भी क्या इसी खानदान का कोई आदमी था? पूनम। यस सर। तुम हिस्ट्री की स्टूडेंट हो ना? हाँ सर। और ये लिबास तुम्हें हिंदुस्तानी लग रहा है? धत तेरी की, मैंने तो समझा था इसमें सोना वना होगा, ये तो खाली है। क्या हुआ मीना? क्या हुआ तुम्हें? वो देखो, वो स्टैचू की आंखें। डरिए मत, क्योंकि आपने स्टैचू की नहीं आदमी की देखी थी आंखें। प्यारे, ये क्या मजाक है? देखो कितना घबरा गई है बेचारी।
इसे कुछ हो जाता तो? अरे क्या हो जाता, टूर्स वगैरह में ऐसे दो चार झटके ना लगे तो मजा ही क्या है। पक्का प्यारे, मजाक अच्छा रहा। प्यारे यहाँ कौन कौन सी जगह देखने लायक है? दो जगह यहाँ, एक नदी और दूसरा है बाग। नदी वो है जहाँ पे रानी चांदनी करने जाती थी स्नान, और बाग वो है जहाँ वो वीर बहादुर के साथ करने जाती थी प्यार। ये वीर बहादुर कौन है भला? ये एक चू वो सब मैं आपको वहीं चलकर बताऊंगा, और वो जगह भी दिखाऊंगा जहां वीर बहादुर मारा गया था। कमाल है, आप भी मेरी बिरादरी के गाइड हैं क्या? स्टूडेंट्स अब हम नदी और गार्डन देखने चलेंगे। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन, मजा आ गया। स्टूडेंट्स यही वो जगह है जहां रानी ठाकुर से छुपकर वीरू से मिलने आती थी। हाँ, और एक दिन ठाकुर ने वीरू को रंगे हाथों पकड़ लिया था और उसका काट दिया था सिर। सर ये जगह नहाने लायक है, आप परमिशन दे तो क्या हम लोग यहाँ नहा सकते हैं? Why not sure? पूनम तुम भी आना। नहीं दीपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लो इनको देख लो। अरे आओ ना। चलो भाई बहुत हो गया। अरे बस करो ज्यादा ना होगी तो सर्दी वर्दी लग जाएगी। अरे उनको नहाने दो, तुम एंजॉय नहीं कर सकते, उनको तो करने दो। अरे ये एंजॉयमेंट महंगा पड़ा ना, तो यहाँ डॉक्टर भी नहीं मिलेगा इलाज करवाने को। ये लोग ठीक कह रहे हैं दीपा, अगर हम लोग सच में बीमार हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। विनय जरा हाथ देना तो हूँ। अगर हम लोग इकट्ठे बीमार हो गए तो बीमारी का और मजा आएगा। आओ इधर आओ। क्यों? आओ ना, तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं, तुम एक बदसूरत इंसान हो। प्लीज व्हाई डोंट यू कम टू मी? तुम्हारी शक्ल लुभाने वाली नहीं, डराने वाली है। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तुम बूढ़े हो चुके हो, एक भयानक बूढ़े। तुमसे प्यार करने से अच्छा है कि लड़की आत्महत्या कर ले। नो! नहीं, तुम एक बदसूरत इंसान हो, तुम्हारी शक्ल लुभाने वाली नहीं, डराने वाली है। तुम बूढ़े हो चुके हो, एक भयानक बूढ़े। तुमसे प्यार करने से अच्छा है कि लड़की आत्महत्या कर ले। ना! ये उज्जैन का खास पलंग है, मगर इस पलंग पर सोने से पहले ध्यान इस बात का रखनी चाहिए कि बड़े आते हैं इधर। क्या आते हैं? सपने, सपने। हाँ सपने। तो फिर आज हम यही सोएंगे इसी पलंग पर। बिल्कुल, आप छलांग मार के तो बैठ गए, लेकिन जरा उनका ख्याल रखिएगा। अरे क्या ख्याल रखना दीपा, तुम सो जाओ, सपनों की ऐसी तैसी।
जाने। गद्दार, हमने तुझे दौलत दी, इज्जत दी, अपनी रियासत का सिपह सालार बनाया, मगर अफसोस हमारा एहसान मंद होने के बजाय तू एहसान फरामोश निकला। नमक हराम, तुझे इस गद्दारी की सजा जरूर मिलेगी। चांदनी मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। सिपाहियों, इस दीवाने आशिक की गर्दन काटकर इसकी महबूबा की झोली में डाल दो, ताकि इसे यह पता चल जाए कि हमसे गद्दारी का क्या अंजाम होता है। यलगार! इससे पहले कि इसकी गर्दन मैं तुम्हारे कदमों में फेंक दूं, अपनी तलवार फेंक दो। नहीं वीरू, नहीं। बेवकूफ आशिक, इश्क करने चले थे। विकास, 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 विकास। दीपा, 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 क्या हुआ दीपा? क्या हुआ? क्या हुआ दीपा? विकास, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैं रानी चांदनी बनी हुई हूँ और तुम बहादुर वीरू। अरे मैंने मना किया था ना तुम लोगों को कि यहाँ मत लेटा करना, या वो रात को आते हैं सपने, मगर तुम लोग मेरी बात को नहीं मानते ना। अभी बेचारी बच्ची की एकदम खुल गई ना आँख। विकास, अब मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम इधर मत सोना, तुम मेरे कमरे में आके सो। क्या बकवास करते हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे कमरे में सोएगी तो मैं इधर सोऊंगा ना। गुड नाइट। थैंक यू। इंसान जिससे कोई लड़की शादी करना तो क्या उसके करीब भी आना पसंद नहीं करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? वही जो तुम कहकर मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाती हो। लेकिन अब और कोई नहीं बल्कि तुम मेरे नजदीक आओगे, इतने नजदीक कि सारी जिंदगी दूर ना जा सको। शट अप!
अगर मैं आपकी इस हरकत के बारे में बाकी स्टूडेंट्स को बता दूं तो वो आपकी जान ले लेंगे। शौक से बताओ, अगर मैं तुम्हें बताने के लायक छोड़ूं तो अब देखना कि ये भयानक बदसूरत और घिनौना आदमी क्या क्या करता है। यूं ही बिना बात के नींद खराब की, आधी रात को जंगल में भी भटके, पता फिर भी ना चला कि कौन गा रही थी। हाँ यार, हम लोगों को तो नहीं मिली, मगर प्रोफेसर साहब जरूर से ढूंढ लाएंगे। लो, प्रोफेसर साहब भी आ गए। अच्छा वो आप आ गए सर, हम सब आपकी फिक्र कर रहे थे। लेकिन आप चले कहाँ गए थे? कहीं नहीं, मैं वो गाने की आवाज सुनकर बाहर निकला था। सर, ये आपके चेहरे पर खरोचे कैसी? और हाँ सर, आपके कपड़े भी मिट्टी से भरे हुए। हाँ, वो अचानक पैर फिसला था और खड्डे में जा गिरा। ये खरोचे उन झाड़ियों की वजह से आए, बहुत कांटे थे वहां। लेकिन सर, ये खरोचे तो किसी के हाथों की लगती है। कहां ना के कांटे थे वहां? फिक्र करने की बात नहीं, मामूली से जख्म है, जल्दी भर जाएंगे। सर, आपको कुछ पता चला वो आवाज किसकी थी और वो कौन गा रहा था? रागिनी। वही रागिनी जिसे चंडाल तांत्रिक अपनी गुफाओं में बुलाया करता था, वरना इन घने जंगलों के बीच में आधी रात को उसके रूह के सिवा और कोई गाना नहीं गा सकता। भगवान के लिए चेला राम, भगवान के लिए वो 100 साल पहले वाली दास्तान नहीं छेड़ना। ये दास्तान नहीं बाबू, हकीकत है। ठीक वैसे ही हकीकत जैसे उस गाने की गूंज में थी। इतने सालों बाद आधी रात को रागिनी की आवाज का इस तरह गूंजना किसी बहुत बड़े खतरे का संदेश है। खतरा? कैसा खतरा? खतरा उन गुफाओं का, जिनका मुंह अगर खुल गया तो सब मारे जाएंगे। उस दयूस के जंगल में कोई आ गया तो मारा जाएगा, सब मारे जाएंगे। प्रोफेसर, ये तुमने क्या किया? अपने ही स्टूडेंट की जान ले ली? रीना की लाश को गुफाओं के पास रखकर गुफाओं का मुख खोल दो प्रोफेसर, उससे यहां के लोगों का शक यकीन में बदल जाएगा कि रीना को उसी तांत्रिक ने मारा है। तुम्हारे बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है, तुम्हारे बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है, तुम्हारे बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है प्रोफेसर। हाँ, इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। साल बीत गए रागिनी, हाँ 100 साल बीत गए, और ठाकर वरेंद्र प्रताप सिंह की पोती दीपा भी हवेली में पहुंच चुकी है, और देखो रागिनी, गुफाओं के मुंह भी खुल चुके हैं। आने वाली पूनम की रात रागिनी और दारा की रात होगी। हाँ रागिनी, रागिनी और दारा की रात होगी। इसी रात को मैं दीपा की बलि चढ़ाकर उसके खून से रागिनी को जिंदा करूंगा, अपनी रागिनी को जिंदा करूंगा, अपनी रागिनी को जिंदा करूंगा।
भंग भंग उठो दैत्यराज उठो। तुम्हें मेरी दीपा को मेरे पास लाना है। रास्ते में जो भी रुकावट आए उसे खत्म कर दो। दीपा को मेरे पास लाओ। जाओ दैत्यराज जाओ। भंग भंग आ गई। क्यों प्यारे, रात में भयानक सपना अपना देखा? सपना देखा मगर भयानक नहीं देखा। मैंने अपना भी देखा और तुम दोनों का भी देखा। अपना देखा सपना? तुमने तो यही देखा होगा कि चारों तरफ कैमरे हैं और तुम तस्वीरें खींच रहे हो। पागल हो गया है, तस्वीरें नहीं खींच रहा। मैंने सपना देखा कि हम लोग सब एकदम हवा के अंदर उड़ रहे और हवा के अंदर उड़ते उड़ते एकदम धड़ाम करके नीचे गिर गए। नीचे गिर गए? नीचे गिरने से हमारी तो जो हालत हुई वो हुई, पर जमीन का क्या हुआ होगा? बकवास बनकर मैं जमीन पे नहीं गिरा था, मैं गिर गया था शहद के ड्रम में। हाँ। और तुम लोग सब गिर गए थे गोबर के ड्रम में। बहुत अच्छे, सपना भी देखा तो अपने ही फायदे का देखा। हाँ यार, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा। हाँ, यही देखा होगा कि तुम लोग सब गोबर में और मैं शहद में हूँ। बिल्कुल सही, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे सपने में हम लोग तुम पे लगा शहद चाट रहे थे और तुम हम पे लगा गोबर। झूठ बोलता है, उस रोज मंगलवार था, मेरा व्रत था। मैंने संजय, क्या बात है, क्या हुआ, सुबह सुबह इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ नहीं, रात में जब मैं लौटी तो रीना बिस्तर पर नहीं थी और जब मैं सुबह उठी तो भी वो वहां नहीं थे। क्या, तो इसका मतलब है रीना रात भर नहीं लौटी? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वो जा कहां सकती है, होगी यहीं कहीं। रात को गाने का पीछा करते हुए उसे बाहर जाते हुए हमने देखा, उसके बाद वो वापस नहीं आई। क्या, वो लौटी थी मगर कुछ देर से, मैं खुद उसे उसके कमरे तक पहुंचा कर आया था। इस हवेली के चौकीदार हम हैं बाबूजी, हर दरवाजे की निगरानी रखना भी हमारा ही काम है, हमने तो उसे लौटते हुए नहीं देखा। मैं इनका प्रोफेसर हूं, तुम कहना चाह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे शायद। सूरज कहां है? सर वो तो सुबह सुबह शिकार खेलने गया है। हियर इज अ पॉइंट, इसका मतलब यह है कि रीना भी उसके साथ गई होगी। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं, वो दोनों शिकार पर ही गए होंगे, तुमने तो हमें डराई दिया था। चिलाराम, तुम? हमारे सिवा यहाँ दूसरा और कौन आ सकता है? मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोमबत्तियां बुझाने आया था। इस हवेली के चारों ओर कोसों घना जंगल है, मोमबत्तियां खरीदने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। लेकिन तुम अंदर कैसे आए, दरवाजा तो बंद है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस हवेली के हर कमरे तक कई के रास्ते हैं। रात बहुत हो चुकी है, सो जाइए। दीपा, मुझे ये आदमी कुछ अजीब सा लगता है। कुछ नहीं, काफी अजीब है। अगर मौका मिला तो इसके चेहरे से नकाब मैं उतारूंगी।
मेरे चेहरे से नकाब उतारने से कुछ नहीं होगा मेम साहब, बेहतर होगा कि आप लोग चुपचाप सो जाएं। खाली खींचने आया था आपकी तस्वीर। ये भी कोई वक्त है तस्वीर खींचने का? मैंने सोचा नींद में आप होंगी, सोते सोते खींच लूंगा, एकदम नेचुरल आएगी। तुम लेकिन हाथ धोके क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं हाथ धोके नहीं पड़ा, मैं तो पैर और मुंह धोके पड़ा पीछे। मेरा मतलब है तुम मुझे तंग क्यों करते हो? तुमको नहीं मालूम मेरा तुम पे आ गया दिल। सच? मुझ? ओ प्यारे, मैं भी तुमसे करूंगी। क्या? प्यार। हाय हाय हाय, तू जलाएगी कब तक पराया चूल्हा? मैं हूँ तेरा, तू मुझको बना ले दूल्हा। तू जलाएगी कब तक पराया चूल्हा? मैं हूँ तेरा, तू मुझको बना ले दूल्हा। तारों से मांग भरूंगा तेरी, तारों से मांग भरूंगा तेरी, रात भर चो 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 चो, चौकीदारी करूंगा तेरी, चौकीदारी करूंगा तेरी। कब तलक तू भी लेगा पराई फोटो? चूड़िया खनखनाऊंगी मैं, चूड़िया खनखनाऊंगी मैं। तू अगर दे मुझे ओजिक प्यार का, मैं बना दूं तेरा रूप गुलजार का। अगर दे मुझे ओजिक प्यार का, मैं बना दूं तेरा रूप गुलजार का। पेड़ों की छाँव में और कभी धूप में, लूंगा मैं तेरी फोटो हर रूप में, लूंगा मैं तेरी फोटो हर रूप में। ओ तेरी खींचूंगा,
तेरी खींचूंगा फोटो झूला के झूला, तेरी खींचूंगा फोटो झूला के झूला, तारों से मांग भरूंगा तेरी, तारों से मांग भरूंगा तेरी, रात भर चो 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 चौकीदारी करूंगा तेरी, चौकीदारी करूंगा तेरी। हेमा मालिनी, हाई लेफ्ट एंगल श्री श्रीदेवी, बेबी आपकी लेते 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 फोटो, मुझे कुछ होता है, मुझे कुछ होता है। तुम ये खाना लेके किधर जा रहे हो रात को? तुम अपने काम से काम रखो बाबू, हम कहाँ जाते हैं क्या करते हैं इन सब से वास्ता ना रखो तो बेहतर होगा। हम तो पूछ रहे थे इसमें काटने की क्या जरूरत है। ए, एक बात बताओ, ये यहाँ क्यों आया था और क्या लेने आया था? खाना लेने आया था, खाना लेके चला गया। खाना लेने नहीं आया था, ये वो ये सब खाने के बहाने होते सब कुछ। तुम सच बताओ ना, मैं यही ले लूंगा तुम्हारी जान। अरे वाह, खाना लेने आया था वो और तुम लोग मेरी जान। ये भी सही है कि क्यों लूंगा मैं जान, मैं सब समझता हूँ, मैं उसकी फाड़ दूंगा खोपड़ी। तुम तो बिना बात के भड़क रहे हो, हालांकि वो कितना अच्छा आदमी है। कितना अच्छा आदमी है, अरे दूर से तो गंगू तेली भी राजा बहुत दिखाई देता है, नजदीक जाओ तो आदमी घचक जाता है। कभी ऐन वक्त पे एकदम गायब हो गया ना तो मचलती रह जाओगी मचलती। हाथ आओ दीपा, उठो मेरे पास आओ, उठो आओ, आओ दीपा आओ, आओ। उठो हाँ, उठो आओ, आओ दीपा उठो, हाँ उठो दीपा उठो, आओ रुक जाओ दीपा, दीपा रुक जाओ। आओ, 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 मत जाओ दीपा, आओ दीपा अपने तांत्रिक के पास। रुक जाओ, मैं कहता हूं मत जाओ। दादाजी यहां तुम्हारी जान को खतरा है, चली जाओ यहां से, चली जाओ इस हवेली से दूर, बहुत दूर चली जाओ, मैं कहता हूं चली जाओ, चली जाओ दीपा, चली जाओ। इतने रात को आप यहाँ?
मुझे एक आवाज यहाँ खींच लाई और ये दादाजी की तस्वीर गिर गई। तस्वीर का इस तरह गिरना और आपका आवाज की तरफ खींचे चले आना अच्छा शगुन नहीं है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं चली जाओ यहां से, चली जाओ। ये तस्वीर भी मुझे यही कह रही थी, चली जाओ यहां से, चली जाओ। हो इसका मतलब चंडाल दारा ने अपनी हरकतें शुरू कर दी है। आप लोगों के यहां आने से ये सब तो होना ही था। क्या होना था? कौन है ये चंडाल दारा? ये सब जानने के लिए आपको 100 साल पुरानी कहानी सुननी होगी। तब की कहानी, जब ठाकुर प्रताप सिंह के दरवाजे से इंसाफ मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता था। उस दिन के बाद आज तक चंडाल तारा गुफा से बाहर नहीं निकला, लेकिन आसपास के गांव के लोगों का कहना है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता। और जिस दिन ठाकुरों के घर में बेटी पैदा होगी, उसी दिन उसकी तांत्रिक विद्या फिर से जागृत हो जाएगी। और शायद इसीलिए मुझे बार बार इस हवेली के सपने नजर आते हैं। हो सकता है, इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि इस मनहूस हवेली को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी रगों में भी वही खून बह रहा है जिसका प्यासा दारा आज भी इन गुफाओं में जिंदा दफन है। तुम ठीक कहते हो, मैं कल ही सर से बात करती हूँ। अब हम लोग एक दिन भी यहाँ नहीं रहेंगे, एक दिन भी यहाँ नहीं रहेंगे, एक दिन भी। इसी में सबकी भलाई है, तुम्हारी भी और हमारी भी। चलो अब तुम्हारा तो सब काम हो गया, अब मेरे साथ चलो। किधर चलो? अरे राशन लाने के लिए, सब कुछ खत्म हो गया है, उन्हें खिलाऊंगी क्या? वो लोग तो सब कुछ खा लेते हैं, तू अकेली जा, मुझे काम करना है। प्यारे अरे मालूम है वहाँ जाते जाते रात भी हो सकती है, कितनी दूर है वो जगह? तुम जाओ ना, रात हो गई तो क्या है, मुझे काम करना है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चेलाराम को लेके जाती हूँ। चेलाराम को? उस इलायची केलाराम को? नहीं नहीं, वो रात भर का सफर है और कभी इसने तंदरी में तुम्हारा रास्ता रोक के एकदम बलात्कार करने की कोशिश की तो नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं चलूंगा तो कम से कम बलात्कार भी होगा तो रुक रुक के करूंगा। चलो चलो, केले राम के साथ जाएगी। भंग भंग, रीना का नौजवान साथी सूरज शिकार करके वापस आ रहा है। जाओ दत्तराज, उसको रास्ते में खत्म कर दो। जाओ दत्तराज, उसको रास्ते में खत्म कर दो। इतनी दूर क्यों लाए हो? ताकि कोई और हमारे नजदीक ना हो। विनय, सुबह आते हुए ऐसी पथरीली चट्टानें तो हमने कहीं नहीं देखी थी। तुम ठीक कह रही हो मीना, लगता है हम लोग रास्ता भटक गए हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन
अरे ये रीना तो मर चुकी है। ओह नो, कहीं ये गुफा वो तो नहीं जिसके बारे में चेदाराम ने दीपा को बताया था? हो सकता है। फिर तो ये भी हो सकता है कि इसकी जान उसे चंडाल ने ली हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है मीना, लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है। फिलहाल हमें रीना की लाश को हवेली तक ले जाना है। मरने के बाद कोई कहीं भी जा सकता है। तो तुम? हाँ दीपा, मैं मर चुकी हूँ और मेरी ही तरह तुम सब मारे जाओगे। नहीं, लेकिन तुम चाहो तो इन सबको बचा सकती हो। वो कैसे है? तांत्रिक के पास चली जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे खून की जरूरत है। नहीं। हाँ, और अगर तुम उसके पास नहीं गई तो वो तुम्हें हासिल करने के लिए सबको मार डालेगा, सबको, विकास को भी। इसलिए मैं कहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। नहीं, चलो, छोड़ दो मुझे, चलो, छोड़ दो, चलो। विकास, विकास, दीपा, क्या हुआ तुम्हें? विकास, रीना, रीना मर गई। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें कैसे पता चला कि रीना? मेरा मतलब है, तुम ये कैसे कह सकती हो? सर, रीना अभी अभी यहीं थी, वो कह रही थी हम सब मर जाएंगे। देखो दीपा, तुम कल से रीना से मिली नहीं हो, इसलिए तुम्हें उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। विकास! तो सूरज की आवाज है। हाँ सर, ये उसी की आवाज है। मुझे लगता है रीना जरूर उसी के साथ होगी। आइए चलो देखते हैं। विकास! विकास! सूरज! 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 ये क्या हुआ? ये तो मर चुका है। रीना, रीना भी तो इसी के साथ थी। वो कहाँ? वो यहाँ है। क्या हुआ इसे? ये तो मर चुकी है। नहीं! मगर ये तुम्हें मिली कहाँ से? हम लोग रास्ता भटक गए थे, एक गुफा के सामने इसकी लाश पड़ी हुई थी। मगर यहाँ ये सब हो क्या रहा है? ये तो मेरी चेतावनी की पहली किस्त आई है बाबूजी। अब भी आप लोगों ने ये जगह नहीं छोड़ी तो आप लोगों का यही हश्र होगा। इसे बंद ही रहने दीजिए बाबूजी। इस संदूक में तुम्हारे मतलब की कोई चीज नहीं है। हमारे मतलब की चीज है। इस पेटी में बंद है तुम्हारा राज। राज? कैसा राज? राज, राज इन नकली बालों का, इन नकली कपड़ों का, जिसे पहनकर कभी तुम अपने ही दादा बनकर सामने आए तो कभी अपने ही बाप। बोलो, ये तीन तीन भेष बदलने के पीछे क्या मकसद था तुम्हारा? इस मकसद से आपका कोई वास्ता नहीं है बाबू। वास्ता है, हो सकता है इसी मकसद के लिए तुमने सूरज की जान ली हो। बोलो, बोलो, तुमने सूरज की जान क्यों ली? बोलो। हमने किसी की जान नहीं ली। तुम्हारे अलावा यह जलील हरकत कोई नहीं कर सकता। बताओ रीना को क्यों मारा? बताओ सूरज को क्यों मारा? हम पहले ही आपसे कह चुके हैं बाबूजी कि हम आपके दोस्तों के बारे में कुछ नहीं जानते। अब एक चेतावनी हमारी भी सुन लो, तीसरा बार हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अब हाथ उठाने की गलती नहीं करना। तुम गलती की बात करते हो, मैं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये
लोग क्या कम मुसीबत में है जो तुम लोग एक दूसरे का खून करने पर तुले हुए हो? हट जाओ दीपा, आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। लेकिन लेकिन क्यों? आखिर कुछ पता भी तो चले इस फसाद का कारण क्या है। कारण जानना चाहती हो? ये देखो इसके ये ढोंगी कपड़े, इसके ये नकली बाल, जिससे ये हमें डराने की कोशिश करता रहा। चिलाराम क्यों करते रहे ये सब, क्यों डराते रहे? कभी भेष बदल बदल कर और कभी मुझे चंडाल तारा की कहानियां सुना सुना कर। उसकी वजह हम नहीं बता सकते। क्योंकि तुम डरते हो कहीं तुम्हारे बयान से तुम्हारे किए हुए कत्ल का पर्दाफाश न हो जाए। हम आपसे बार बार कह चुके हैं बाबू, ना हमें आपके दोस्तों से कोई वास्ता है, ना हमने किसी का खून किया है। अगर यही बात है तो इस नाटक की वजह क्यों नहीं बता देते? सच्चाई से सच्चे आदमी को झिझक क्यों? ठीक है, अगर आप लोग मेरा राज जानना ही चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। अरे कहाँ डला गया? देखा ना, वो हमें फिर धोखा दे गया। अगर तुम बीच में ना आती तो आज मैं उसे खत्म कर देता। अब बताओ कब? हम यहां हैं बालक। नाग देवता? हाँ, हम तुम्हारे कुल गुरु हैं। दीपा, तुम्हारे पूर्वज हमारी ही पूजा किया करते थे। जब दारा ने रागिनी को पत्थर की शिला बना दिया तो ठाकुर अपने राजगुरु के साथ हमारे ही शरण में आया था। नाग देवता, हमारी बहन के साथ यह अन्याय क्यों हुआ है? हम उसकी मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। क्या उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकेगी? और हमारे आने वाली पीढ़ी पर जो भी संकट आए उनकी रक्षा आप करेंगे। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए और हमारा ये वचन है कि उस तांत्रिक से तुम्हारे कुल कन्या की रक्षा हम करेंगे। रही बात रागिनी की, जिस दिन गुफाओं का द्वार खुलेगा और पूनम की रात होगी उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। उस क्रूर दारा को भी हम इस दुनिया से दूर भेज देंगे और इसीलिए हम तुम्हें डराते रहे ताकि तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि वो दारा तुम्हारी जान का दुश्मन है जो कल तक उन गुफाओं में बंद था। बंद था? मतलब अब वो बाहर आ चुका है? हाँ, और उन गुफाओं का मुंह खोला है तुम्हारे प्रोफेसर ने। लेकिन प्रोफेसर ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि उसने रीना का कत्ल कर दिया है और उस कत्ल को वो दारा के नाम डालकर खुद बचाना चाहता है। क्या प्रोफेसर साहब ने? ओह माय गॉड। लॉकेट, ये लॉकेट आपका है ना? और ये लॉकेट यह साबित करता है कि रीना का कत्ल नहीं किया है। तो फिर आपका लॉकेट रीना के हाथ में कैसे आया? रीना और सूरज का आपने क्यों मारा? मैंने सूरज को नहीं मारा है। रीना का खून आपने किया है और सूरज का खून भी आप ही ने किया है। हाँ ये ठीक कहता है, सूरज का खून आपने किया। आपने? मैंने कहा मैंने सूरज का खून नहीं किया, मैंने सिर्फ रीना को। क्या आपने रीना का कत्ल किया? हाँ हाँ, मैंने रीना का खून किया। मैंने इसकी लाश को गुफा के बाहर रखकर गुफा का मुंह खोल दिया था, मगर अब भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इन्हें संजय, आप लोग यहीं खड़े रहो, मैं उस प्रोफेसर को ठीक करता हूं। हाँ
रीना और सूरज तुम भी में मौत मारे गए। तुम भी वो भटकी हुई आत्मा हो जो आज के बाद सिर्फ दारा के लिए काम करेगी। जाओ और दीपा को मेरे पास ले आओ। जो भी तुम्हारे सामने आए उसे खत्म कर दो, पर दीपा को मेरे पास लाओ। भंग भंग। ये धुआं कैसा? Oh, my God.
संजय, संजय, दीपा, हमें यहाँ से निकालो, प्लीज हमें यहाँ से निकालो। नहीं संजय नहीं, ये गलती मत करो, वो दोनों मर चुके हैं। नहीं दीपा, हमारा वो मरना वो बदलना सब झूठ था, झूठ था, झूठ था। पागल मत बनो दीपा। नहीं संजय। पागल मत बनो, देखो देखो वो दोनों एक नॉर्मल हो चुके हैं। हम अपने साथियों को इस तरह मौत के मुंह में धकेल के चले जाएंगे? नहीं दीपा। नहीं, तुम्हें कुछ हो गया तो। हाँ, वो एक शैतानी ताकत थी जो हमसे ऐसा करवा रही थी। इससे पहले कि हम फिर से उस शैतान के शिकार हो जाएं, या वो हमें मार डाले, हमें यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज संजय, प्लीज। संजय, नहीं। हमारा यकीन करो संजय, प्लीज दरवाजा खोल दो। मेरी बात हम सच कह रहे हैं। हाँ खोल दो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। नहीं वापस आ जाओ। नहीं संजय। आओ दीपा, आओ, आओ, आओ दीपा, आओ, आओ दीपा, चल आओ दीपा। आओ दीपा, अपने तांत्रिक के पास आओ। आओ दीपा, मेरे पास आओ। दीपा, दीपा, आओ, आओ दीपा, आओ, आओ, आओ दीपा। दीपा, 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 दीपा। दीपा, रुक जाओ दीपा, रुक जाओ दीपा। Oh!
नाग देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर हमारी मदद नहीं करते तो यह जालिम दारा एक दीपा ही नहीं बल्कि न जाने कितने बेकसूर इंसानों की जान ले लेता। इस शैतान को खत्म करके हमने किसी पर एहसान नहीं किया है, सिर्फ अपने उस वचन को निभाया है जो 100 साल पहले हमने अपने परम भक्त ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह को दिया था। मगर उस वचन को पूरी तरह निभाने के लिए हमें अब दीपा की जरूरत है। आप हुक्म कीजिए नागदेव, मुझे क्या करना होगा? खून देना होगा तुम्हें। ये आप क्या कह रहे हैं नागदेव? घबराने की कोई बात नहीं, खून देने का मतलब इसे अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। इसके जिस्म का एक बूंद खून इस देवी को मुक्ति दिला सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, बोलियो मुझे क्या करना होगा। अपना अंगूठा देवी के सर के ऊपर ले आओ। साल बाद सही हमारे भक्त की आत्मा वैकुंठ तक तो पहुंची। अब अपने रीति अनुसार इसका क्रियाकर्म कर दो।